भाई साहब माउस लेने क्या? हाँ बहुत वैरायटी है। इतनी है कि समझ नहीं रही। तो भाई बहुत दिन से शिकायत चल रही थी कि माउस का रिव्यू नहीं आ रहा चैनल पे। बहुत सारे गेमिंग पेरिफेरल्स आ रहे हैं और एक दो शिकायतें और हैं, सारी दूर कर दूंगा आज। माउस वाली दूर कर देते हैं। तो आज हमारे पास है 5 गेमिंग माउस और टाइटल में आपने पढ़ लिया होगा 1000 रुपए के अंडर वाले माउस है सारे। और ये जो 5 माउस है ये टेलीग्राम वाले मेंबर्स ने मुझे सजेस्ट किए थे, वहां पे मैंने पोस्ट डाली थी पूछने के लिए। तो बढ़िया, तुमने सजेशन दे दिए, 5 कर लिए थे हमने ऑर्डर उसी दिन। तो एक एक करके खोल ले फिर डब्बा। तो जो सबसे पहला माउस है हमारी लिस्ट में वो है रेड गियर A20। इसके अंदर से निकल जाएगी एक यूजर मैनुअल और एक सफेद से घूंघट में हमारा माउस, एक रेड गियर का स्टिकर और एक रेड गियर के सॉफ्टवेयर की डिस्क। मेरा रेड गियर वालों एक सवाल है और एक सजेशन, डिस्क कौन यूज कर रहा है आज की डेट में? और सजेशन यही कि डिस्क मत डालो, बस सीधा डब्बे मेंशन कर दो कि सॉफ्टवेयर ऑनलाइन मिल जाएगा। जबरदस्ती खर्चे और 50 रुपए कम कर देते, मेन रेट में 550 हो जाता। तो ये हमारा 600 रुपीज का माउस है। तो बिल्ड और आउटर्स की बात कर लेते हैं। प्लास्टिक बिल्ड माउस मिलता है और बिल्ड क्वालिटी भाई इंप्रेसिव, 600 रुपए के हिसाब से काफी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है। और ये 7 बटन माउस है, 1 2 3 4 5 6 7, और पीछे यहाँ पे कुछ ब्रांडिंग और मॉडल वगैरह मिल जाता है। और इसके अंदर आपको ब्रेडेड वायर मिलते हैं, वायर की क्वालिटी काफी बढ़िया है। ये माउस मैक्सिमम 4800 DPI तक जा सकता है और इसके अंदर ना मिनिमम DPI का मेंशन नहीं थी, इसके सॉफ्टवेयर में मेंशन है और मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करा। सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको इसके अंदर मिलेगा, सॉफ्टवेयर का पूरा ट्यूटोरियल इसकी यूजर मैनुअल में दिया है क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। इसके अंदर लाइट्स कस्टमाइज कर सकते हैं, कीज कस्टमाइज कर सकते हैं, मैक्रो इसके अंदर आप कर सकते हो, पर मैं वीडियो में कवर नहीं करने वाला क्योंकि सॉफ्टवेयर सपोर्ट अगर बताने लगा तो अगले आने वाले माउस के हिसाब से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा समझ रहा हूँ ना मतलब। और बात आती है इसके सेंसर की, तो कोई सेंसर की इन्फॉर्मेशन नहीं है, वही बेसिक ऑप्टिकल सेंसर होगा जो हर माउस के अंदर आता है जो बजट रेंज वाले होते हैं। बात आती है पोलिंग रेट की, तो 125 वर्ड्स का पोलिंग रेट आपको इसके अंदर मिलता है। 600 रुपीज के हिसाब से 125 वर्ड्स का पोलिंग रेट ही मिलेगा जो बजट वाले माउस होते हैं। और जिनको पोलिंग रेट नहीं पता वैसे तो गूगल पर आप पूरा डिटेल में देख सकते हो। मोटा मोटा अगर इसके बारे में बताऊं तो आपका माउस का जो सेंसर होता है वो हर सेकंड में कितना फ्रीक्वेंट रिफ्रेश होता है उसको पोलिंग रेट कहते हैं। तो मतलब जितना ज्यादा पोलिंग रेट होता है उतना एक्सपीरियंस अच्छा होता है। और इस माउस का जो वेट है वो सिर्फ 117 ग्राम्स है, तो गेमिंग के हिसाब से 117 ग्राम्स बिल्कुल सही वेट होता है, मतलब ज्यादा नहीं कह सकते उसको। बात आती है इसकी एर्गोनॉमिक्स को लेके और गेमिंग एक्सपीरियंस को लेके, तो वही बेसिक सा गेमिंग एक्सपीरियंस है। और जब गेमिंग एक्सपीरियंस की बात चली रही है तो इसके अंदर मैंने फ्लिक शॉट्स भी लेके देखे, जो फास्ट मूवमेंट होती है माउस की, तो उसके अंदर भी इसने कोई प्रॉब्लम नहीं करी। और फ्लिक शॉट्स का मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आने वाले जो 4 माउस है मैं सब में टेस्ट कर चुका हूं, फ्लिक शॉट की किसी भी माउस में दिक्कत नहीं है जो मैं इस वीडियो में रिव्यू कर रहा हूं। और हाँ आई नो प्लूरल में माइस बोलते हैं, पर मैं माउस ही बोल लूंगा, ठीक है, हमारे को देसी रहना है। वैसे अच्छा एक बात बताओ, जब ये फेस्टिव सीजन चल रहा होता है घर वालों से कुछ भी मांग लो जल्दी से, घर वाले को मना करते नहीं, बात सही कह रहा हूँ ना मैं? तो ऐसी दिवाली के टाइम में कुछ माउस वाउस खरीदना, कीबोर्ड या बड़ी चीज महंगी लैपटॉप ही खरीदना आपको, तो बोलो घर वालों को दिलवा देंगे। पूरा एकदम फेस्टिव सीजन चल रहा है, फुल खरीदारी चल रही है और सेल भी चल रही है अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे 27 तारीख से लेके 3 तारीख तक, तो क्यों ना सेल का फायदा उठाओ और अपनी परचेज पे कैशबैक जरूर लेते जाना। कैसे? कैश करो ऐप से। कैश करो के बारे में तुम में से बहुत लोगों को पता होगा और जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं, कैश करो एक कैशबैक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर 1500 से भी ज्यादा ऑनलाइन वेबसाइट्स है, जैसे Amazon, Flipkart, Myntra, Ajio, अब तो स्विगी वगैरह भी आ गया, तो कुछ खाने वाने का ऑर्डर करना वो भी कर सकते हो। और कैश करो में रतन टाटा जी ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सेफ एंड सिक्योर है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से ऐप को डाउनलोड करो, लिंक से डाउनलोड करने पे 25 रुपए का साइन अप बोनस मिल जाएगा। और अगर आप लिंक से नहीं करते बाद में करना चाहते हो तो Venom25 कोड लगा देना, 25 रुपए आपके सेफ एंड साउंड है। तो इसके अंदर जाके अपनी कोई भी शॉपिंग साइट सेलेक्ट करो जैसे कि Amazon, और वहां से वैसे ही शॉपिंग करो जैसे आप करते हो। तो परचेज करने के बाद जब आप अपना माई अर्निंग सेक्शन चेक करोगे कैश करो ऐप में, तो आपको आपका कैशबैक दिख जाएगा और ये कैशबैक डायरेक्टली आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, और आप कहीं से विड्रॉ करना हो, ऑनलाइन पेमेंट्स करनी हो, प्रॉपर हार्ड मनी आपको मिलेगी। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड करो और अपनी शॉपिंग शुरू करो। और हाँ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कैश करो ने एक गिव अवे ऑर्गेनाइज किया है जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, तो स्किप मत करना वरना गिव अवे आपका रह जाएगा। जो सेकंड माउस हमारी लिस्ट में वो है एंटी स्पोर्ट्स का GM320, और ये माउस 650 का आपको मिल जाएगा प्रेजेंट डेट में, बाकी रेट चेंज हो जाए मेरी गलती नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके चेक कर लेना। तो इसके अंदर सभी निकल जाता है सफेद घूंघट में माउस, और यहाँ पे 2 वेलकम कार्ड मिले हैं, पता नहीं किस चीज का इतना वेलकम कर रहे हैं, और एक यूजर मैनुअल आपको मिल जाती है। और यूजर मैनुअल में आपको दिखा दूं इसके अंदर भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट है, की कस्टमाइजेशन, मैक्रो कस्टमाइजेशन और LED लाइट्स वगैरह भी आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हो, तो वो आपको ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, या तो इतने पढ़े लिखे आप हो ही माउस खरीदोगे तो कर ही लोगे, इतनी चीजें तो समझदार हो यार। तो कुछ ऐसा माउस है, अगर मैं रेड गियर A20 से ऊपर बढ़ता हूं तो मुझे इसकी लुक ज्यादा पसंद आई और इसकी जो ग्रिप है वो ज्यादा पसंद आई। तो यहाँ पे थंब रेस्ट मिल जाता है आपको, और ये जो ऊपर टेक्सचर है ये रबराइज टेक्सचर है, थोड़ा बहुत यूज करने के बाद हाँ ग्लॉसी हो जाता है जैसे लॉजिटेक का G102 वगैरह है। और ये आपको 8 बटन माउस मिलता है और इसके अंदर भी आपको ब्रेडेड वायर मिल जाएगी, और जैसे कि 8 बटन वाला है इसमें ये वाला जो बटन है इसमें आपको फायर बटन मिल जाएगा, तो ये माइनक्राफ्ट यूजर यूज कर सकते हैं, बट वही मैंने सुना है कि फायर बटन से ना बैन वैन हो जाता है सर्वर से, तो मतलब यूज कर सकते हो, उसके अंदर वही हो जाएगा ड्रैक क्लिक वाला हिसाब किताब, बट
ऑथेंटिक नहीं है। इसके अंदर भी चार लेवल की डीपीआई मिल जाएगी 800 से लेके 7200 तक, और इसके अंदर भी कोई सेंसर की इंफॉर्मेशन नहीं है, वो ही बेसिक ऑप्टिकल सेंसर इसके अंदर लगाया होगा। और पोलिंग रेट आप इसका चेंज कर सकते हो, मिनिमम 500 हर्ट्ज आपको इसके अंदर मिलेगा और मैक्सिमम एप्लीकेशन के थ्रू 1000 हर्ट्ज तक आप कर सकते हो। बात आती है इसके वेट की, तो 112-113 ग्राम इसका वेट है, तो रेड गियर A20 से बेटर कहूंगा, कम वेट है, ई स्पोर्ट्स में बढ़िया बेनिफिट मिलने वाला है। और जब बेनिफिट की बात हो रही है, गेमिंग एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूं तो इसके एर्गोनॉमिक्स मेरे को बहुत सही लगे, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, ओवरऑल गेमिंग मैंने इसके अंदर करके देखी थी, पोलिंग रेट के हिसाब से स्मूथ एक्सपीरियंस इसके अंदर मिल रहा था। और अगर मैं कहूं 600 के हिसाब से, मतलब ये वैल्यू फॉर मनी माउस है, क्योंकि इसके अंदर सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी है, कस्टमाइजेशन भी है, आरजीबी की कस्टमाइजेशन भी है, तो इसके लिए आप आराम से जा सकते हो 600 रुपए में। बाकी तो A20 भी अच्छा है, उसके लिए भी जा सकते हो अपने प्राइस के हिसाब से, और 50 रुपए एक्स्ट्रा डाल के, बट दिस इज दी बेटर ऑप्शन। उसके बाद हमारा अगला माउस है ऑफ बीट का रिपजॉ, जो कि हमारा वायरलेस माउस है, और इस माउस की डिमांड भाई बहुत ही ज्यादा तुमने की थी, तो मुझे लगा कि यार डेडिकेटेड रिव्यू क्या बनाई जाए, इसमें इंक्लूड कर देते हैं। ये रिचार्जेबल माउस है, आपको कोई बैटरी वैटरी नहीं डालनी, आप इस माउस को चार्ज कर सकते हो और वायरलेसली यूज कर सकते हो, और वायरलेसली गेमिंग माउस है, यानी कि इनपुट लैग बहुत ही कम है, वो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाता हूँ। अभी खोल लेते हैं डब्बा माउस का। इसके अंदर से आपको मिल जाएगी एक यूजर मैनुअल, सुपैत सुपैत चादर में हमारा माउस, एक माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल। इस माउस का प्राइस 750 रुपीज चल रहा है प्रेजेंटली। तो सबसे पहली बात तो आपको गेमिंग टाइप की लुक मिल जाएगी, यहाँ पे ऑफ बीट की ब्रांडिंग है और यहाँ पे आपको गेमिंग माउस लिखा हुआ मिल जाएगा, और काफी प्यारी सी लुक आपको इसकी मिल जाती है। और ये 7 बटन माउस है, वैसे तो 6 बटन है पूरे, 2 और 2 और 2 6 बटन माउस है, बट जो 7वां बटन है इसका, ये ऑन ऑफ वाला बटन है, जो इसके अंदर आप यहाँ से माउस को ऑन कर सकते हो, यहाँ से आपका माउस ही ऑन हो जाएगा, बट कोई लाइट नहीं जलेगी, तो कम पावर कंजम्पशन करना हो तो ऑन कर लो, और एलईडीज ऑन करनी हो तो यहाँ से आप एलईडी वाले ऑप्शन पे जा सकते हो। अभी एलईडी शो नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसका भी रिसीवर पीसी में नहीं लगाया, तो जैसे रिसीवर मैंने पीसी में लगाया तो इसके अंदर लाइट जलनी शुरू हो चुकी है, और बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया लगी मुझे इसकी, जैसे ट्रांसफॉर्मर एम की बिल्ड क्वालिटी है वैसी ही है, और वायरलेस होने की वजह से इसलिए थोड़ा सा महंगा है ये। अगर कैरी करना हो तो यहाँ पे आप इसका डोंगल लगा सकते हो। और इसके अंदर डीपीआई के 3 लेवल मिलते हैं, मिनिमम 1600, मैक्सिमम 3200, और पोलिंग रेट की अगर इसकी बात करूं तो 250 हर्ट्ज का पोलिंग रेट है, तो रेड गियर A20 से बेटर है, और एंटी स्पोर्ट्स वाले से थोड़ा सा कम मान सकते हो, बट वायरलेस गेमिंग माउस मिल रहा है आपको। और इसका जो लाइट इफेक्ट है वो ऑटोमेटिक है, ब्रीदिंग इफेक्ट में 6-7 कलर्स के अंदर जलते रहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं है, कोई कस्टमाइजेशन आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी। और बात आती है इसके वेट की, तो सिर्फ 92 ग्राम इसका वेट है, तो मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस को लेकर बहुत सही रहा, बिल्कुल एकदम लाइट वेट है और एर्गोनॉमिक्स भी बहुत अच्छे हैं, हाथ में होल्ड करके काफी बढ़िया फील देता है, एकदम गेमिंग वाली। और आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, वायरलेस माउस है तो इनपुट लैग वगैरह तो नहीं है, तो इनपुट लैग मैं आपको बताऊं 1 मिलीसेकंड से भी कम का है, यानी कि वायर्ड की तरह ही काम करता है बिल्कुल। हम गनशॉट लेते हैं तो इंस्टेंट क्लिक पे गनशॉट होता है, जैसे वायर्ड माउस से होता है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, आप ये वाला ऑप्शन भी कंसिडर कर सकते हो। और हाँ, ये आपके स्मार्ट टीवी पे भी चल जाएगा और ये एंड्रॉइड डिवाइस पे भी चल जाएगा वायरलेसली OTG के थ्रू या डायरेक्ट USB में लगा के। उसके बाद हमारा अगला माउस होता है लिनोवो का M200 RGB गेमिंग माउस, इसको खोल लेते हैं। यहां पे वेलक्रो दे रखा है इसके अंदर भाई साहब माउस के अंदर, तो ये निकल गया हमारा माउस, पैकिंग काफी बढ़िया कर रखी है इसकी, और इसके अंदर से एक यूजर गाइड मिल जाएगी, बहुत सारे कागजात दे दिए हैं इसके अंदर। ऑनेस्टली इसकी अगर बिल्ड क्वालिटी बताऊं तो सबसे बढ़िया बिल्ड क्वालिटी मुझे इसकी लगी, इसका प्लास्टिक बहुत अच्छा यूज किया गया है, और ये आपको 6 बटन माउस मिल जाता है, 2, 2 और 2 6 बटन माउस है आपका, और इसके अंदर भी आपको ब्रेडेड केबल मिल जाएगी बढ़िया क्वालिटी की, और इसमें भी कोई सेंसर की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वही बेसिक ऑप्टिकल सेंसर ही होने वाला है। और बात आते हैं इसके पोलिंग रेट की, तो 640 हर्ट्ज का मैक्सिमम पोलिंग रेट आपको इसके अंदर मिल जाता है, ये थोड़ा सा हैवियर साइड है, 120 ग्राम इसका वेट है, बट अगर बात करता हूं गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो 2-4 ग्राम में नहीं पता लगता गेमिंग एक्सपीरियंस का, मैंने यूज करके देखा तो मतलब वही अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिला था, बट सबसे अच्छी ग्रिप मुझे अभी तक सिर्फ एंटी स्पोर्ट वाले की लगी, बाकी सबकी ग्रिप्स नॉर्मल है, जैसे इसकी भी हो गई। और बात करते हैं आरजीबी लाइट्स की, तो इसके अंदर आपको ब्रीदिंग इफेक्ट मिलेगा, 7 कलर्स इफेक्ट है इसके अंदर, कोई कस्टमाइजेशन नहीं है, अपने आप ब्रीदिंग इफेक्ट में चेंज होते हैं, और कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी नहीं है, कोई कस्टमाइजेशन नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक लगा मुझे इसके अंदर, सॉफ्टवेयर सपोर्ट होना चाहिए था। और हाँ, गिव अवे की बात तो मैं बताना ही भूल गया, और गिव अवे के 5 विनर्स होंगे, और विनर्स को यही 5 माउस मिलेंगे, इन 5 माउस में से रैंडमली कोई भी 5 लोगों को कोई भी माउस मिल सकता है, समझ रहे हो ना। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का तरीका बहुत सिंपल सा है, आपको कैश करो आप डाउनलोड करनी है डिस्क्रिप्शन से, उसके बाद आपको एक परचेज करनी है अपने किसी भी मर्चेंट से, कैसी भी परचेज हो सकती है, चाहे 500 रुपए का माउस खरीदो या 50,000 रुपए का लैपटॉप, एक परचेज होनी चाहिए और वो आप कैंसिल मत करना, बस इतना सही है, आप पार्टिसिपेट कर लोगे, और इसका रिजल्ट मैं YouTube कम्युनिटी टैब में अपना अनाउंस कर दूंगा जैसे हर बार करता हूं, तो बेस्ट ऑफ लक। और तुम में से बहुत लोग ना एक तरीके आलसी हैं, जो ऐसे गिव अवे में पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहते, उन्हें ऐप भी डाउनलोड नहीं करनी क्योंकि उन्हें कुछ परचेज ही नहीं करना, उनके लिए एक छोटी सी स्कीम है, नहीं 25 दिन में पैसे डबल करने वाली नहीं है, उसमें आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी, कैश करो ऐप डाउनलोड करनी है डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से, और उससे आपको लोगों को इनवाइट करना है, कैश करो ऐप डाउनलोड करवानी है अपने इनवाइट से, तो जब भी वो तुम्हारे दोस्त लोग कोई भी शॉपिंग करेंगे ऑनलाइन कुछ भी करेंगे उन्हें कुछ भी कैशबैक मिलेगा, लाइफ टाइम आपको 10% का कैशबैक उनकी कमाई का मिलेगा, जैसे उन्होंने 100 रुपये कैशबैक कमाया तो 10 रुपये आपके, 1000 कमाया 100 रुपये आपके,
और लाइफ टाइम वो करते रहेंगे तुम बैठे रहो। तो जो आलसी है ना ये उनके लिए है, कर लेना ये, और बाकी दूसरे भी कर ही सकते हैं, मतलब है ना कमाई वाला साधन घर बैठे। तो फटाफट से डाउनलोड करो, लिंक से इतनी सारी चीजें बता दी आपको। उसके बाद हमारा लास्ट माउस आता है रेड गियर की तरफ से, ड्रैगन वॉर G9। तो इसका डब्बा काफी बढ़िया कंडीशन में आया हमारे पास, फटाफट खोल लेते हैं इसको। और इस माउस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, इसके साथ आपको एक माउस पैड मिलेगा रेड गियर की तरफ से, और माउस पैड का पैटर्न भी बहुत प्यारा है और माउस पैड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और ये माउस ज्यादा महंगा भी नहीं है, 900 रुपीज का माउस है, और माउस के फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो जिसको माउस पैड की जरूरत है वो तो आंख बंद करके इस माउस को ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर से भी आपको एक डिस्क मिल जाएगी। रेड गियर वालों पैसे बचा लो, 5,000 रुपए कम कर दो माउस में, हमें नहीं चाहिए डिस्क। और ये निकल गया हमारा माउस, और एक मिल जाएगी यूजर मैनुअल, और इसके अंदर भी आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिल जाएगा, की कस्टमाइजेशन मिल जाएगी, मैक्रो कीज मिल जाएगी, और आपको RGB कस्टमाइजेशन भी मिल जाएगी। तो सबके अंदर सेम सी एप्लीकेशन होती है, डाउनलोड करो खुद जान जाओ। देखो यार सारी बात साइड में, इस माउस की लुक देखो आप, कितनी ही प्यारी लुक है। और यहाँ पे भी आपको थंब रेस्ट वगैरह मिल जाएगा, और इधर आपकी जो साइड वाली दो फिंगर्स हैं उनका रेस्ट भी आपको मिल जाएगा। एर्गोनॉमिक्स माउस के बहुत प्यारे हैं, प्रॉपर पूरे हैंड की इसके अंदर शेप बन जाती है। और एर्गोनॉमिक्स के मामले में तो मतलब 10 में से 10 नंबर दूंगा इस माउस को मैं। और बात करते हैं इसके वेट की, तो 117 ग्राम इसका वेट है। तो इतनी बढ़िया लुक होने के बावजूद भी वेट कुछ ऐसा ज्यादा नहीं है। और इसके अंदर भी आपको ब्रेडेड केबल मिल जाएगी, बट केबल टोटल ब्लैक होती ज्यादा अच्छी लगती। और ये आपको 7 बटन माउस मिल जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक आपको फायर बटन मिल जाएगा जैसे आपको एंटी स्पोर्ट्स वाले मिलता है। तो इससे आप वही टर्बो क्लिक वगैरह कोई भी गोली शूट करनी है, बटन दबा रखा धड़ 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 अपने आप ही, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मतलब किसी किसी गेम में टैप टैप करना होता ना, तो इसमें एक ही बार बटन दबाओ था। और सॉफ्टवेयर के थ्रू इसी की कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो कि कोई भी बटन आपको सेट करना है तो इस पे सेट कर दो, जंप मारने का करना है या जो भी करना है, तो ये चीज बढ़िया काम आती है गेमिंग के अंदर। और इसके अंदर DPI 800 से लेके 3200 तक चली जाती है, और 800 के बाद 1600, और उसके बाद 2400, फिर 3200। और बात करते हैं सेंसर की, तो एवागोई गेमिंग सेंसर इसके अंदर यूज किया हुआ है, तो अगर मैंने गलत नाम लिया हो तो भाई सॉरी। तो वैसे मेरे को गेमिंग में कुछ ऐसा डिफरेंस फील नहीं हुआ दूसरे माउस के हिसाब से, बट स्टिल गेमिंग सेंसर है तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट दे ही देगा। और बात आती है पोलिंग रेट की, तो 500 Hz का पोलिंग रेट है, तो यूजर एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया होने वाला है। बात करता हूँ गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो कंफर्ट इसका बहुत बढ़िया है, उसके हिसाब से गेमिंग एक्सपीरियंस काफी बढ़िया मिला मेरे को, क्योंकि जो इसके एर्गोनॉमिक्स है वो पहले जितने माउस दिखाए उसमें सबसे बढ़िया लगे मुझे। तो बस यही बताने लायक था इन 5 माउस में, मैं सच बता रहा हूँ इन 5 में से आप कोई भी ले सकते हो, मेरे को 5 के 5 बढ़िया लगे। किसका आपको डिजाइन पसंद आ रहा है, कितना आपका पॉकेट साइज है, क्या कुछ आपको लेना है, कैसे करना है, मतलब अपने आप देख लो। माउस सारे बढ़िया है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कर दी, कुछ रह गई हो तो सॉरी, और कुछ पूछना हो, क्वेरी हो, सजेशन हो, कमेंट सेक्शन ओपन है। तो लाइक मार दो वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ अगर उनको माउस लेना है, और कैश क्रॉप डाउनलोड कर लो, कुछ कैशबैक वैशबैक कमा लो, वहां से माउस वाउस खरीद लो, कुछ बढ़िया चीज एकदम, दिवाली वाली आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।